हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल के करंट अफेयर के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया है। तो कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है BCCI के द्वारा। अब बात करते हैं BCCI की। तो BCCI का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसका जो हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में है। BCCI के चेयरमैन हैं सौरव गांगुली और BCCI के CEO हैं राहुल जौहरी और सेक्रेटरी हैं जयशाह, जो कि अमित शाह के लड़के हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने आइसोलेशन वार्ड में रखे कोविड-19 मरीजों को बिना संपर्क में आए दवाइयाँ और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोट विकसित की है। तो ये जो विकसित किया गया है वार्ड बोट, ये IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। किस लिए किया गया है? कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के उद्देश्य से ये जो वार्ड बोट है इसको विकसित किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी याद करते चलना है कि IIT रुड़की ने प्राणवायु नामक एक पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया था एंड स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए फेस शील्ड को भी विकसित किया था। और IIT जो गांधीनगर है, ये लॉकडाउन के दौरान जो भी स्टूडेंट्स घर पे हैं उनके लिए रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए IJAC प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। और IIT मुंबई ने क्वारंटाइन ऐप को विकसित किया है। और ये भी याद करते चलना है कि IIT मद्रास में भारत की पहली हाइपर लूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक ने सार्वजनिक संस्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान आरंभ किया गया है। तो HDFC बैंक द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया गया है #HDFCBankSafetyGrid। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, #HDFCBankSafetyGrid। ये जो है HDFC बैंक द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अभियान को आरंभ किया गया है। बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसका जो हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके MD हैं आदित्य सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो यूपी गवर्नमेंट ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए गूगल से साझेदारी की है। अब बात कर लेते हैं गूगल की। तो गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। इसके जो CEO हैं सुंदर पिचाई हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट और अल्फाबेट के भी CEO हैं सुंदर पिचाई। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, इसके फाउंडर है बिल गेट्स एंड पॉल एलन। CEO हैं सत्या नडेला। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन USA में। फेसबुक के फाउंडर एंड CEO हैं मार्क जकरबर्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है 20 अप्रैल को। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। और आपको ये भी याद करते चलना है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो मनाया गया है 11 अप्रैल को मनाया गया है। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के नाम से जिसे जानते हैं ये मनाया गया 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल को ओडिशा जो राज्य है इसका गठन हुआ था। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया है 2 अप्रैल को। और इस बार का जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया है ये 13वां वार्षिक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था और इसका जो थीम था द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया है 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को। और इस बार का विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम था सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। और WHO ने इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस का थीम था लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कैलोबरेशन। एंड अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो मनाया गया है 12 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया 14 अप्रैल को। विश्व कला दिवस मनाया गया 15 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस मनाया गया 18 अप्रैल को। और इस बार का विषय था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
यानी साझा संस्कृति, साझा विरासत एंड साझा जिम्मेदारी, ये विश्व धरोहर दिवस जो कि 18 अप्रैल को मनाया गया है, इसका थीम था। और विश्व एकीकृत दिवस जो मनाया गया है, ये 19 अप्रैल को मनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत का रहने का अनुमान है? तो फिच रेटिंग के अनुसार जो 2020-21 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी, ये रहेगी 1.8%। और भी देख लेते हैं अन्य संस्था के द्वारा भारत की जीडीपी ग्रेट जो है ग्रोथ है कितनी रहेगी 2020-21 के लिए। तो यूनाइटेड नेशन से ने अनुमान लगाया 4.8%, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगाया 4%, इंडिया रेटिंग के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की जो जीडीपी रहेगी 3.6% रहेगी, यस एंड पी के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी रहेगी 3.5%, क्रिसिल के अनुसार 3.5% एंड मूडीज के अनुसार 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान द्वारा वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी जिसका नाम है कोविन FYI लॉन्च किया गया है? तो ये जो भारतीय प्रबंध संस्थान है ये है कोझिकोड। सो इसका आंसर ऑप्शन डी, IIM कोझिकोड ने वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी कोविन FI लॉन्च किया है। और आपको ये भी याद करते चलना है कि IIM बेंगलोर ने ICICI सिक्योरिटीज के साथ मिलकर फिटनेस स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, और इस ऑनलाइन पोर्टल का जो नाम है covidwarriors.gov.in, covidwarriors.gov.in, ये भारत सरकार द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। और भारत सरकार ने अभी अभी आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया था, जो कि 13 दिन में विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों की सुरक्षित निकासी के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड की तैयार किया है? तो दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों को सुरक्षित निकासी के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा, यानी इंडियन नेवी के द्वारा, AEP जिसे हम बोलते हैं एयर इवैक्यूएशन पॉड, इसको तैयार किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा। और ये भी आपको याद करते चलना है कि ये जो बना है ये एल्यूमिनियम नाइट्राइल रबर और फॉरेक्स से बनी है। इसका जो भार है केवल 32 किलोग्राम है, और इसकी जो विनिर्माण लागत है ये 50,000 रुपये हैं, जिसकी आयातित जो समकक्ष लागत जो 59 रुपये का केवल 0.1% है। साथ ही साथ आपको ये भी याद करते चलना है कि थल सेना द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया था कोविड-19 से निपटने के लिए, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नमस्ते। हमारे भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष राकेश कुमार भदौरिया, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कंपनी है फेसबुक। फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग और CEO भी मार्क जुकरबर्ग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची जारी की है? तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची को जारी किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। अब इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है भारत के विविध राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना। भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो लॉन्च किया गया है, इसको 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? अमूर्त
सांस्कृतिक विरासत के वाहक के तौर पर भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां, प्रदर्शन कलाएं। तीसरा है सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज, उत्सव घटनाक्रम। चौथा है प्राकृत और विश्व से संबंधित ज्ञान तथा प्रथाएं, एंड पांचवा है पारंपरिक शिल्पकारिता। हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के प्रहलाद सिंह पटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज का आखिरी प्रश्न है ये, हाल ही में किसने रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग सफर नामक एक उपकरण विकसित किया है? तो बग सफर नामक रोगों के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए जो ये उपकरण लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया अघरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 21 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को जल्दी देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।